दिल्ली मुंबई का हुआ ये हाल, कई इलाकों में भरा पानी। बारिश से मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक, लोकल ट्रेन की आवाजाही पर पड़ा असर। अहमदाबाद डाइवर्ट की गई जेट एयरवेज फ्लाइट, दो दिनों का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने मुंबईकरों के लिए जारी किया है 8, 9 और 10 जून का अलर्ट। कल कोंकण पहुंचेगा मानसून, आज कवर किया पूरा गोवा। संघ के मन से प्रणब मुखर्जी ने सिखाई देशभक्ति, बोले राष्ट्रवाद किसी एक धर्म और भाषा का मोहताज नहीं, सहनशीलता हमारी ताकत, भेदभाव से भारत की पहचान को खतरा। अमित शाह से मुलाकात के बाद भी शिवसेना के रुख में नहीं दिखता बदलाव, उद्धव बोले 2019 में पालघर से होगा हमारा एमपी। अमित शाह की संपर्क यात्रा के खिलाफ संजय निरुपम की मुहिम, मुलाकातियों को खत भेजकर मोदी सरकार की नाकामियों की देंगे जानकारी। कल बीजेपी के संपर्क अभियान के तहत सलमान खान के पिता सलीम खान से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नाना पाटेकर से भी होगी मुलाकात। भीमा कोरेगांव हिंसा केस में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड, पुणे पुलिस ने दिया दावा आरोपियों के माओवादी नेताओं से जुड़े हुए हैं तार। कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर अबू सलीम को 7 साल की जेल की सजा, दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने सुनाया फैसला। ठाणे पुलिस ने जब्त की क्रिप्टो करेंसी घोटाले के कथित मास्टरमाइंड अमित लखनपाल की लैम्बोर्गिनी कार, निवेशकों के 500 करोड़ से ज्यादा हड़पने का है आरोप। गुजरात में शेर को परेशान करने के आरोप में 6 गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को इंडिया अंडर 19 टीम ने मिली एंट्री, अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए टीम में हुए शामिल। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर 10,000 करोड़ कीमत के 5,100 अपार्टमेंट्स को खरीदारों का इंतजार, 12 महीनों में लॉन्च हुई 7,000 यूनिट्स। लगातार 10वें साल मुकेश अंबानी की सालाना सैलरी 15 लाख पर बरकरार, 2009 में 24 करोड़ से घटाई थी तनख्वाह। इंडियन बैंक और करूर वैश्य बैंक ने भी बढ़ाई ब्याज दरें, 10 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया। मई में 6.1% बढ़ी जगुआर लैंड रोवर की ग्लोबल बिक्री, 48,281 यूनिट्स की बिक्री। बेंटले ने लॉन्च की नई सुपर लग्जरी कार बेंटायगा, 3,78,00,000 रुपए है कार की कीमत। 10,000 रुपए बढ़कर 31,870 रुपए प्रति तोला सोना हुआ, चांदी 250 रुपए बढ़कर 41,000 प्रति किलो। 284 अंकों की बढ़त के साथ 35,463 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 83 पॉइंट्स बढ़कर 10,768 पर हुआ बंद। रजनीकांत के फैंस पर छाया फिल्म काला का जादू, मुंबई के कार्निवाल सिनेमा के बाहर रिमझिम फुहार के बीच झूमते हुए नजर आए फैंस। केसरिया साड़ी में फिल्म देखने, माथे पर कलश लेकर बड़ी तादाद में पहुंची दक्षिण भारतीय महिलाएं, फिल्म देखने से पहले जमकर लगाए ठुमके। फिल्म काला को लेकर रजनीकांत के युवा फैंस में खास तौर पर देखा गया जबरदस्त उत्साह, फिल्म के पोस्टर के आगे समरसॉल्ट करते हुए नजर आए फैंस। मुंबई में सुबह 4 बजे फर्स्ट शो,
से पहले फैंस ने काटा केक, फिल्म के पोस्टर पर लोगों ने चढ़ाए फूल और दूध। 500 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके अनुपम खेर को इस बार आईफा में मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बैंकॉक में होगा आईफा। मुंबई में अगले 48 घंटे लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।